तेरे को चार मीनार दिखा लिया, निजामों की कहानी सुना ली, बिरयानी हलीम और ढेर सारा कबाब भी खिला लिया, पर तुम हैदराबाद आए और यहाँ आकर गोविंद की बंडी का बटर में डुबाया डोसा नको खाए, तो क्या मैं तेरे को खाक हैदराबाद दिखा लिया? हैदराबाद में डे टू की शुरुआत होनी थी और किसी साउथ इंडियन सिटी में आके यहाँ का ऑथेंटिक डोसा ट्राई ना करे, इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है। तो सुबह सुबह सब छोड़ छाड़ कर मैं आ गई 35 इयर्स पुरानी स्टॉल गोविंद की बंडी में। यहाँ का बटरी डोसा लोग दूर दूर से खाने आते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी इसका लुफ्त उठा लेती हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे कई लोगों ने बताया कि गोविंद की बंडी के जैसे ही और एक है राम की बंडी, जहाँ ऐसा ही डोसा बनता है। कम वक्त होने के कारण मैं सिर्फ गोविंद की बंडी के डोसा ट्राई कर पाई और मैं यहाँ के डोसा की फैन हो गई। पर मेरे साथ ही साथ और भी फैंस है। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे, 20 इयर्स से तो मेरे हस्बैंड मुझे एवरी मंथ इधर लाते हैं डोसे के लिए। वी रियली एंजॉय द इडली एंड डोसा जो हो गया, इट्स रियली ग्रेट। इनका खुद का गोविंद भैया का पर्सनल टच रहता है टू मेक द डोसा जना, सो दे रियली लव द टेस्ट। हमारा कोई संडे नहीं होता है जो हम बगैर डोसा खाए रह सकते हैं गोविंद का। सो वी मेक ए पॉइंट दैट वी कंपल्सरीली कम टू गोविंद्स डोसा। आई एम अ वर्ल्ड ट्रैवलर बट एनीवे वी कैन नॉट गेट दिस डोसा, इट्स ऑसम। दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, पर अब रात के लिए भी कुछ एपेटाइट बचाना था, तो चलिए तब तक हैदराबाद का दर्शन कर लिए। और हैदराबाद आए और रामोजी फिल्म सिटी ना गए तो क्या किया। मैं जब कभी मूवीज में छोटे बड़े सेट्स को देखती तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती, और अब जब मैं रामोजी फिल्म सिटी आई, मेरी क्यूरियोसिटी को आराम तो मिला ही, पर साथ ही साथ आई वॉज फैसिनेटेड बाय द ग्रैंडियर ऑफ द सेट्स। इट इज स्प्रेड अक्रॉस 1,666 एकर्स और यहाँ बॉलीवुड और टॉलीवुड की कई सारी मूवीज शूट होती है। ये फिल्म सिटी हर किसी के लिए खुला है और इसे बनाने वाले रामोजी राव की यही ख्वाहिश थी कि वो हॉलीवुड से भी बड़ी फिल्म सिटी बनाए। रामोजी फिल्म सिटी हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, ऐसे हम नहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले कह रहे हैं। 2015 की ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली की शूटिंग भी यही हुई थी, एंड व्हेन यू आर हियर यू कैन डेफिनेटली रीलिव द बाहुबली मोमेंट्स, क्योंकि आपको सेट्स के हर वो एलिमेंट और इंस्ट्रूमेंट आज भी यही मिलेंगे। जब पॉपुलर स्वीडिश होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स की कंपनी ने इंडिया में पहली बार कदम रखने का फैसला किया, तब उन्होंने इंडिया के हैदराबाद को चुना। साल 2018 में स्टार्ट हुआ ये स्टोर एक वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन है आपके हर होम फर्निशिंग जरूरतों के लिए। यहाँ 7,500 से भी ज्यादा फर्नीचर्स है, जिसमें से 1,000 से भी ज्यादा 300 रुपए से कम में मिलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आइकिया ने बहुत ही अफोर्डेबल ऑफरिंग्स रखी है, एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ इंडिया वेलकम्स आइकिया। रमजान के समय चमकने वाली सैकड़ों गलियों में से एक गली है टोली चौकी, जिसकी रोशनी की बात ही कुछ और है। ये गली रमजान के समय लोगों की खुशियों के शोर से भरी होती है। यहाँ एक से एक खाने के स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, और मैं उन्हीं रेस्टोरेंट्स का जी भर के मजा लेने आई हूँ इन द सिटी ऑफ लायंस हैदराबाद के टोली चौकी में। और हाँ, आगे जाकर बहुत ही शोर होने वाला है। रमजान का महीना और हैदराबाद का खाना, मानो जैसे सारा शहर इकट्ठा हुआ हो एक जश्न मनाने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी टोली चौकी को एक सुलगन की तरह सजाया। सुनाई दिया, मैंने कहा था ना शोर होगा। But I love the hustling noise of the city. अब चलिए यहाँ के popular शहजादे restaurant से कुछ बिरयानी खाए। When you think of Hyderabad, the first thing that comes to your mind is Hyderabadi biryani. तो ये है शहजादे की मटन दम बिरयानी, और हैदराबाद में मटन बिरयानी एक बहुत ही अलग तरीके से बनी जाती है, इसीलिए हैदराबादी बिरयानी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ मटन और राइस को साथ में बनाया जाता है, एंड इफ यू कंपेयर दैट टू अदर टाइप्स ऑफ बिरयानी, वहाँ मटन की प्रेपरेशन अलग होती है और राइस की प्रेपरेशन अलग होती है। लेट मी ट्राई दिस बिरयानी एंड टेल यू हाउ इट टेस्ट्स। सालन का एक
एक चम्मच बिरयानी में इट जस्ट एडेड सो मच मोर फ्लेवर टू दिस बिरयानी, टू गुड। ये जो मटन है बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, थोड़ी सी तीखी है। सो इफ यू लाइक स्पाइसी फूड यू डेफिनेटली गोइंग टू लव हैदराबादी दम बिरयानी या शहजादे। बिरयानी और हलीम खाने के बाद इट्स टाइम टू हैव सम रमजान स्पेशल डिजर्ट्स एट फोर सीजन्स। हैदराबाद में रमजान के समय मिलने वाली स्वीट्स का कोई तोड़ नहीं। इस समय जहां आपको काफी इंडियन स्वीट्स मिलेंगी, फोर सीजन्स हैदराबाद का एक ऐसा स्टोर है जहां आप कई तरह की मिडिल ईस्टर्न स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं। Four Seasons as a restaurant is famous for its desserts और आज हम आए हैं यहाँ पे try करने के लिए Ramadan special desserts like baklava, kunafa, balasham as well as basmati। अपन ने बकलावा तो बहुत बार खाया है but this is the first time I'm trying kunafa as well as basmati and trust me it is so delicious, a perfect finish to the heavy iftar meal that I just had at Tori Chowki in Hyderabad। It was not just the perfect end to my meal, but the perfect end to my trip. Recently, with Hyderabad being announced as the safest city to live and work in India, I'm sure Hyderabad, इस उस्तादों की नगरी ने आप सबका दिल भी जीत लिया है। तो जब कभी मौका मिले, इस शहर की किराक खूबसूरती को एक्सप्लोर जरूर करना। If you like this video, share this video with your friends and subscribe to Curly Tales.